देवास के नेमावर के बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कोरोना की मार झेल रहे बाढ़ पीड़ितों के सामने अब रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। बाढ़ प्रभावित वार्ड क्रमांक 14 की महिलाओं व पुरुषों ने राशन व राहत राशि नहीं मिलने से आक्रोशित होकर नगर परिषद कार्यालय में धावा बोल दिया। देखते ही देखते महिलाओं ने नगर परिषद कार्यालय को घेर कर वहां मौजूद कर्मचारियों को अपनी परेशानी बताई और कहा कि ना तो उन्हें राशन मिला और ना ही राहत राशि। महिलाओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए वहां मौजूद अधिकारी एवं कर्मचारी भाग खड़े हुए। गौरतलब है कि 29 अगस्त की रात को नेमावर में आई बाढ़ ने चारों ओर पानी पानी कर दिया था, जिसे पूरे नेमावर में भारी आर्थिक नुकसान हुआ था, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं नेमावर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि नेमावर के हर व्यक्ति को आर्थिक राहत एवं राशन मिलेगा। एक महीना बीतने को आया है लेकिन नेमावर के अधिकांश रहवासियों को ना तो राशन मिला और ना ही राहत राशि। से आए जिसमें हमको कुछ मिला नहीं है। अच्छा, राशि भी नहीं मिली ना, गेहूं में कुछ भी नहीं दिया, राशन कोई सहायता नहीं दी, सर सहायता नहीं दी। और हम अभी हाल फिर और यहाँ आए तो यहाँ नगर पंचायत में आकर खड़े हुए हैं। और नगर पंचायत से जो कौन है वो सर्वे करने गया था, उनका माझी जी दे गए थे सर्वे करने। और अभी भी सब लोग आए थे, सब महिला माझी ने करा ही नहीं है, 14-15 वार्ड में सर्वे करने नहीं आया, कुछ नहीं मिला। आया थे जब भी, हमको सबको दिया, राशन हमको नहीं दिया।